हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा रेड कलर का एक्जोरा का प्लांट है। देखिए कितने सुंदर इसके फूल खिले हुए हैं और पूरे फ्रीज के देखिए पूरा बंच एकदम भरा हुआ है। फूल तो काफ़ी हेल्दी हैं और बहुत सुंदर भी हैं, लेकिन ये पौधा थोड़ा सा मुझे अनहेल्दी लग रहा है कि देखिए इसकी पत्तियाँ अपने पूरे साइज़ में नहीं हैं और ये पौधा भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। लेकिन ग्रोथ फूलों की अच्छी हो रही है, फूल अच्छे खिल रहे हैं तो, लेकिन पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। देखिए क्योंकि पौधा ये मेरा करीब 2 साल पुराना है और पता नहीं क्या हो गया है इसमें कि ये अच्छे से बढ़ नहीं रहा है। जब मैंने इसको लगाया था तो ये अच्छा खासा पौधा था ये, लेकिन कुछ दिनों बाद इसकी ग्रोथ अपने आप रुक गई। लेकिन इसके फूल कभी नहीं रुके, हमेशा फूल खिलते थे, अच्छे साइज में खिलते थे और बहुत ज़्यादा खिलते थे, लेकिन पौधा ये बड़ा नहीं होता था। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत छोटी वैरायटी का है, मीडियम वाला है तो। लेकिन ये इसमें मैंने गमला बड़ा था तो मैंने इसमें गुलदावदी लगा दी कि चलो ये बढ़ नहीं रहा तो मैं इसमें गुलदावदी लगा दूँ। गुलदावदी देखिए अच्छे खासा इसमें गुलदावदी ग्रोथ हो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस पौधे की मैं मिट्टी चेंज कर दूँ, मिट्टी और खाद वाद सब कुछ नए तरीके से दे करके देखूँ, शायद पौधा अच्छे से बढ़ने लगे, इसकी पत्तियाँ ग्रोथ अच्छी हो इनकी पत्तियों की और पौधा खूब बुशी हो जाए। तो देखिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि पौधा मेरा अच्छा चल जाए। इसको मैं यहाँ से अभी निकालूंगी। इसमें मेरे गुलदावदी के पौधे लगे हैं तो उनको भी बचाना है और इसको भी अच्छे से निकलना ये भी कोशिश करनी है। तो मैं इसको निकालती हूँ इसमें से। ये देखिए मेरा पौधा निकल गया इसमें से। ये इसकी जड़ें बहुत अच्छे से देखिए इनकी ग्रोथ नहीं हुई है, शायद इसीलिए पत्तियां भी इनकी अच्छे से नहीं बढ़ रही थी। ये देखिए मैंने निकाल लिया पौधे को और देखिए इनकी जड़ों में अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन फूलों पर कोई असर नहीं है। फूल बहुत अच्छे और खूब सुंदर और अच्छे साइज में हो रहे हैं और काफ़ी देखिए कलियाँ भी आई हुई हैं खिलने के लिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि पौधा मेरा वापस से ही बहुत हेल्दी और अच्छा हो जाए और बढ़ने लगे, शायद मेरी कोशिश कामयाब हो जाए। ये देखिए मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, इसमें गोबर की खाद मिली हुई है। देखिए कितनी बढ़िया इस बार हमारे यहाँ खाद बहुत अच्छी आई गोबर की, तो बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होती है इससे गमलों की और शायद मेरे इस पौधे को सूट कर जाए, पसंद आ जाए तो पौधा अच्छे से ग्रो करे। और इसमें देखिए ये सैंड भी मिलाऊंगी मैं, थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा मिला देती हूँ ताकि मेरा पौधा अच्छे से चल जाए। इसको अच्छे से मैं मिला देती हूँ इसमें। टब में मिलाने से थोड़ा सा सही रहता है, गमले में अच्छे से मिट्टी मिल नहीं पाती है और टब में या अब फर्श पर भी मिला सकते हैं ताकि वो अच्छे से मिल जाए। इसमें भी मैं वही सब डालूंगी, नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, बोन मिल, वर्मी कंपोस्ट भी। ये देखिए मेरे इस पौधे को शायद ठीक लग जाए तो मेरा पौधा अच्छा चल जाए। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ इस पौधे को चलाने के लिए काफ़ी दिनों से, लेकिन फूल खिल रहा है लेकिन और कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसको अच्छे से मिलाना है ताकि ये पूरी मिट्टी में एक बराबर से सब कुछ मिल जाए। अगस्त सितंबर का महीना जो होता है वो इन सब तरह के काम के लिए अच्छा होता है, जैसे कि पौधों की रूट प्रूनिंग करनी है या जैसे कि मैं अभी पौधे की पूरी मिट्टी चेंज कर रही हूँ या जैसे कि आपको गमला ही बदलना है, कुछ भी मतलब पौधों के इस तरह से काम के लिए या कटिंग ग्रो करने के लिए ये अगस्त सितंबर का महीना बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्योंकि बारिश होती रहती है, मौसम ठंडा रहता है तो पौधों को जो है कि उनके लिए अच्छा खासा मौसम मिलता है उनको अच्छी ग्रो करने के लिए, तो इसलिए इस मौसम में ही मैं सोच रही हूँ कि इसको कर दूँ। इसके बाद अगर करूँगी तो शायद ये भी फिर नहीं अच्छे से ग्रो करे। देखिए हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन से अच्छी खासी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इसलिए मैं अभी इसको लगा रही हूँ ताकि ये भी मौसम ठंडा है और लग जाएगा ये अच्छे से। देखिए बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ।
ये देखिए मैंने मिट्टी को अच्छे से मिला लिया है, इसमें बहुत अच्छे से पूरी मिट्टी मिल गई है और अब मैं इसको डालूंगी गमले में। देखिए मैंने इतना बड़ा ये गमला लिया हुआ है और इसका ड्रेनेज होल मैंने ऑलरेडी लगा रखा है इसमें। देखिए ड्रेनेज होल को बंद कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, ऐसा किया है कि जो पानी भी ड्रेन होता रहे इसका और ज़्यादा पानी गमले में रहे भी नहीं। इसको मैं डाल दूंगी इसमें। देखिए अब मैं इसको इसमें लगा दूंगी। ये देखिए मैंने पौधे को गमले में लगा दिया है और ये लग के तैयार हो गया है। देखिए ऐसे कोई देख के नहीं कहेगा कि पौधा मेरा स्वस्थ नहीं है, कितने सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन देखने से ही आपको लग रहा होगा कि इसकी पत्तियाँ छोटी हैं तो पूरी ग्रोथ नहीं हो रही है। और लगा दिया मैंने इसको, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। पानी डाल दिया मैंने इसको, ऐसे पानी डाल दूंगी, ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं है, मिट्टी थोड़ी सी गीली है। और ये फूल मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैं इसके लिए परेशान थी कि मैं क्या करूं कि मेरा पौधा चल जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि चल जाए, मैंने इसको खाद भी डाली, सब कुछ किया। इस बार मैंने ये लास्ट में कोशिश कर रही हूँ, मैं गमला चेंज कर दिया, मैंने पूरी मिट्टी चेंज कर दी इसकी ताकि मेरा पौधा अच्छे से चल जाए। और चल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सफल रहा। खैर प्रयास करना हमारा काम है किसी भी चीज़ के लिए, और मैंने प्रयास किया कि मेरा पौधा चल जाए अच्छा खासा और गमले में लग चुका है, और लग जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।